में जा सकता है। अगर आप बात करें अपर चीर सर की, तो उनकी एक्टिविटी प्रीशूट में काफी देर से बनी हुई है। और दैट स्प्रे जी गॉड विद दैट स्कार एंड वन गोस डाउन। सामने यहां पर कमला बॉय, बट काफी शार्प थे वहां पर कमला बॉय। इंस्टेंट पनिशमेंट देने की कोशिश थी, बट सही टाइम पर प्रोन हो गया जी गॉड ने उसे काउंटर किया। अभी के लिए हील अप कर लेंगे। 17 मीटर जोन के अंदर जा रहे हैं। पीछे से ब्लाइंड आ रही है, राइट हैंड साइड पर स्काइलाइट और ऊपर चढ़ी रेवेनेंट की टीम। ये सब कुछ ज्यादा अलाउ नहीं किया। अब आखिरी के दो प्लेयर्स बचते हुए हमको नजर आने वाले हैं। ग्रेट टॉसिंग किए जा रहे हैं यहाँ पे जॉनसन की तरफ से। वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। टीम गॉडलाइक एलिमिनेटिंग टीम ब्लाइंड। अगर हम बात करें ब्लाइंड के आखिरी प्लेयर को थर्ड पार्टी किया गया, जी हाँ, स्काईलाइट के रौनक थे जिन्होंने अपनी M4 के साथ हेडशॉट मारा एंड बाहर किया टीम ब्लाइंड को नौवें स्थान पे। बट फिलहाल के लिए टीम स्काईलाइट सर्कल में चली जाएगी एंड फाइट के लिए जा रहे हो फिलहाल के गॉडलाइक के साथ, बिकॉज गॉडलाइक के दो प्लेयर्स नॉकआउट थे, अपनी नीज पे थे एंड अब उनके आखिरी दो प्लेयर्स बचे। उन दोनों प्लेयर्स को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा एंड स्काईलाइट को फ्री 2 फिनिशेस मिलेंगे, जिस पे सारा काम ब्लाइंड ने किया था एंड मौका फायदा उठाना टीम स्काईलाइट ने। अब नियो और जोनाथन आखिरी के दो प्लेयर्स बचते हैं इस 2v4 फाइट में, जहां पे उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है एंड इस 2v4 फाइट में लेट्स सी हाउ दे मेक कमबैक। देखिए पुकार का एक और ग्रेनेड जा रहा है, ये गॉडलाइक को और ज्यादा पीछे ढकेल देगा और ये सही ग्रेनेड लग रहा है मुझे, कनेक्शन बना सकता है, जॉर्डन को ऊपर लो करेगा। बट नियो की नजरें कहीं और है, बट जहां पर नियो की नजर है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जहां डैमेज देती है वहां से प्लेयर्स को नॉकआउट कर देती है। सामने दो से ज्यादा प्लेयर्स रहने वाले, नॉकआउट करने का कोशिश काफी अच्छा सीन में वीगल ब्लास्ट हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है 3 से ज्यादा प्लेयर्स आने चुके हैं। बट दैट शेक फ्रॉम दैट स्प्रे, उतने ज्यादा कनेक्शन कई बार नहीं भी बना पाएगा नियो। अभी के लिए निकमा के सविता को डाउन कर देती है, बट पीछे से थोड़ा सा और डैमेज कवर जाना बिल्कुल ठीक रहेगा और ये जो जून का शिफ्ट अब आने वाला है ये मुश्किलें खड़ी करेगा। देखिए व्हीकल ब्लास्ट की बात हो ही रही थी, तो वहां पर वो व्हीकल होता है बस्ट आउट और सीर भी हो जाते हैं डाउन। बट उस हायर ग्राउंड की अगर आप बात करेंगे जहां पर आपको मिलेंगे रेड आउल और रेवेनेंट के प्लेयर जो आपस में ड्रॉप क्लैश में इन्वॉल्व थे, अब भी मेरे ख्याल से उनका एक काउंटर आपको देखने को मिलेगा। रेड गोस डाउन, उधर से इग्नाइट का काउंटर आता है।